इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स का जो GS1 का पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं एंड बीइंग अ लॉ बेस्ड चैनल वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉलिटी एंड लॉ बेस्ड क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. नॉट जस्ट डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस, वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस of these questions, why they've been asked, and further also note that yes, I did mention law, although law is not a subject as such in your examination, but yes, it has been seen that kuch questions aapke law se bhi puche gaye hain. So being a law-based channel, we are going to discuss those questions as well. Looking at the first question from polity background, consider the following statements in respect of the election of the President of India. So President has always been an important topic. Constitutional head of the state hai President. So it's very important to cover President properly. Now here are the kind of questions they are asking. It is not just very preliminary ki aapne bas President ke baare mein jo bullet points hai wo learn kar liye. Uske piche ka concept bhi yahan par involved hai. Kis tarah se dekhte hain. स्टेटमेंट्स क्या हैं? मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज. नाउ यू क्लियरली नो दिस इज वेरी इजी सिंपल. बहुत बार ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट में कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द पार्लियामेंट. सो यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स बोला गया है तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है. higher number of elective assembly seats means higher is the value of vote of each MLA of state. So अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें, आपको पता है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA क्या है? उसमें दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको हम 1000 के क्वेश्चन में कंसिडर करते हैं, प्लस वॉट इज टेकन इन टू बींग पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट एंड जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं इन दैट स्टेट, जो सीट्स हैं that are taken into consideration. Now here it says higher the number of elective state, ye agar seats badhengi to value of vote bhi badhega. बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, मैथ्स के अंडरस्टैंडिंग से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो जो ये वैल्यू टोटल निकल के आएगी वो कम आएगी, बिकॉज ऑब्वियसली हमको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर डिनोमिनेटर हम ज़्यादा कर देंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, और न्यूमरेटर अगर बढ़ाएंगे तो फिर जो टोटल रेशियो है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी. तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. देन वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेट than that of Kerala. ये भी बहुत लॉजिक से सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन. यू ऑलरेडी नो इंडिया के मैप पे भी अगर आप देखोगे तो केरला का जो एरिया है वो कम है इन कंपैरिजन टू मध्य प्रदेश, राइट? सो मध्य प्रदेश हैज द हायर पॉपुलेशन, इवन इफ यू नो यू आर नॉट अवेयर कि पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है. पूरा सेंट्रल इंडिया में जो मध्य प्रदेश फॉल करता है, अब उसकी जो पॉपुलेशन है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है. तो यहाँ पर जो MLA के वैल्यू की वोट है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर अगेन ये कॉन्सेप्ट लगाए तो ये ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ वोट यहाँ पे ज़्यादा रहेगी दैन केरला. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज फॉल्स. द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. नाउ अब अगर आपने प्रेलिमिनरी बस ये पढ़ लिया कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट आर इन्वॉल्व, हाउएवर यू शुड ऑल्सो नो कि इलेक्टेड मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं ऑफ टू UTs, दिल्ली एंड पुडुचेरी, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस इलेक्शन. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज, येस इनकी वैल्यू की वोट कंसिडर करे जाएगा बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड देन वैल्यू ऑफ वोट ऑफ दिस इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. वाई? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश. दिस इज करेक्ट. So these three statements are correct. One is wrong. So out of four, one statement is wrong. So when we see how many of the statements are correct, only three of them are correct. बहुत questions जैसे कि हमेशा statement based आते हैं कि क्या correct है incorrect है, वही तरह से questions आए हैं. Next is which of the following statements, consider these following statements in respect of the Constitution Day. अब जैसे ही हम Constitution Day की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या date आती है? 26th November is celebrated as Constitution Day. This is the date when Constitution was adopted, right? So Constitution Day is celebrated on 26th November every year to promote constitutional values among the citizens. Yes, this is correct. Statement 2 क्या है?
26th November 1949. Now this is the date when Constitution was adopted, and here it says कि Constituent Assembly had set up the drafting committee. अगर हम ये बात कर रहे हैं कि Constitution adopt हुआ है इस दिन, तो Constituent Assembly तो obviously पहले आ चुकी है. It is not on this date that they are drafting the constitution and same time adopt कर लेंगे, considering India का lengthiest constitution है in the world. Very very logical question, बहुत आराम से ही question किया जा सकता था. अब 26 November ये जो date है ये further preamble में भी mentioned है as the date of adoption. अगर आपको फिर भी ये याद नहीं रहती, you know, और confusion रहता, maybe you know you got confused with 26 January. Even then if you will see कि ये basic logic है कि 1949 में तो हमारा adoption हो रहा है, 1950 में constitution enforce हो रहा है, और हमें दो साल तो लगे ही है constitution बनाने में. इतना lengthy constitution है, इतने short span में possible नहीं है. तो ये statement incorrect होगी. Although chairmanship of B.R. Ambedkar थी, but this is not the date 29th August 1947 में जाके constituent assembly बनाई गई थी. तो ये statement correct है, ये incorrect है. तो questions में अगर हम statements देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, that statement one is correct but statement two is incorrect. This will be our answer, that statement 2 is incorrect and 1 is correct. Explanation ki to yahan par baat nahi hai, because yahan par this is assuming that both the statements are correct. So here the answer is C. Then consider the following in respect of national flag of India according to the flag code. Ab ye question yahan par aapse kyun pucha gaya? Flag code recently amend kiya gaya tha, it was in the news. Abhi jab hum dekh rahe the Bharat ka Amrit Mahotsav jo चल रहा है, 75 years of independence, इसको लेके flag code को amend किया गया, because flag code में कुछ restrictions हैं कि आपका flag का जो timing है hoist करने का वो सुबह से शाम तक का है. amend करके बोल दिया गया कि पूरे time उसको hoist किया जा सकता है. then polyester flags were also included, इससे पहले खादी flags सिर्फ included थे. now the question here did not just revolve around the amendment. It asked you more about the flag code. कि उन्होंने ये माना कि अगर आप recently news में पढ़ रहे हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप flag code को जाके पढ़ें भी कि actual में वो code क्या कहता है, उसके provisions भी आपको पता हो. Because here we are considering the UPSC exam. It is a detailed examination. जैसा मैंने भी अपनी एक video डाली थी, एक YouTube short डाला था जहाँ पर I had covered this flag code on 26th of January जब मैंने बात करी थी. Now अब यहाँ पर जो statements देख रहे हैं हम, वो क्या है? One of the standard sizes, यानी बहुत सारे standard sizes दिए हुए हैं national flag के, उसमें से ये बोल रहे हैं एक standard size ये है. ये standard size नहीं है क्योंकि क्योंकि अगर आप flag code में जाकर देखोगे उसमें एक list दी हुई है specifically कि क्या standard size होगा, उसमें से this size does not really feature. Then ratio of length to the height, यानी जो length होगी flag की to the width, इसका रेशियो 3:2 होना चाहिए. दिस इज करेक्ट. नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ सी कितना कंफ्यूज करने के लिए ये फिगर जो है वो दिया गया है, बिकॉज अगर आप इसको देखोगे तो आपका 3:2 बनेगा. यू माइट गेट कंफ्यूज अगर आपको ये पता है, बट दिस इज नॉट वन ऑफ द साइजेस दैट इज गिवन. सो अगर हम ये स्टेटमेंट्स देखेंगे, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट. सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट is correct and statement 1 is incorrect. So option D here will be your answer. Considering question number 4, by which one of the following acts was Governor General of Bengal designated as Governor General of India? तो ये हमारा history of constitution से question आ गया, and history obviously ये part हमको हमेशा याद ही करने होते हैं. तो अगर हम हिस्ट्री में जाकर बात करें, इंडिया जैसे चलती आ रही थी, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी थी, दैट वाज फंक्शनिंग इनटू इंडिया, बिकॉज दे हैड अ लॉट ऑफ लोन्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड दे हैड टू रीपे देम. दे हैड एक्चुअली कम इन द सर्च ऑफ स्पाइस ट्रेड हियर इन इंडिया. रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह हमारा ये उस पॉइंट की बात करता है. फिर फर्दर जैसे चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1793 है, इसमें क्या हुआ था, एक्सपेंशन हुआ था कि जो इनकी जो चार्टर चलता आ रहा है अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको फर्दर एक्सपेंड किया गया था. बाद में क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये जो मोनोपोली है इनकी, इसको रिस्ट्रेन किया जाएगा. सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, और ब्रिटिश जो ट्रेडर्स हैं दे कैन ऑल्सो ट्रेड इन इंडिया.
एंड देन चार्टर और एक्ट ऑफ 1833 आया था, जहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से फंक्शंस लेके जीजीआई, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल, दिस पोस्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड द अथॉरिटी वॉज टेकन अवे. बंगाल क्योंकि पहले बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रिंसली स्टेट रहा करती थी इंडिया में, एंड मोस्टली ऑपरेशंस वर हैपनिंग इन बंगाल, सो दैट इज़ वाई वी हैड द बॉडी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड नॉट गवर्नर जनरल ऑफ दिल्ली. तो ये हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. हियर द आंसर विल बी ऑप्शन डी. देन इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन. अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपने देखा होगा कि इंडिया में क्या होता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो होता है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है. प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो टर्म है वो हमारा आर्टिकल 21 में अपीयर होती है कि लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो everybody has the right to life and liberty except according to the procedure established by law. यानी अगर ऐसा procedure है it can be taken away, जैसे preventive detention के cases में होता है तो वहाँ पर liberty ले ली जाती है, person is put into preventive detention. So now what does this procedure established by law actually mean? This means that जो legally जो legislature ने procedure ले किया हुआ है उसके हिसाब से क्या executive उन लॉज को ठीक से इंप्लीमेंट कर रही है. अपनी तरफ से आर्बिटरी एक्शन नहीं है गवर्नमेंट का, इट इज फॉलोइंग द लॉ लेड बाय द लेजिस्लेचर. हाउएवर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि आपका प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तो है ही कि हम ये चेक करें एग्जीक्यूटिव जो लॉ बना हुआ है लेजिस्लेचर की तरफ से उसको ठीक से इंप्लीमेंट कर रही है. साथ साथ व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज आल्सो अ चेक ऑन वेदर दिस लॉ दैट हैज बीन मेड दिस इज करेक्ट और नॉट. कि लॉ ही खुद में आर्बिटरी तो नहीं है क्या लॉ फेयर है, इट इज बींग अप्लाइड इक्वली टू एवरी वन, ऑल दीज थिंग्स कम लेटर. तो हम अगर ड्यू प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सिर्फ एक पार्ट है इसका. प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इज ओनली अ पार्ट. ड्यू प्रोसेस इज अ टर्म बिगर दैन प्रोसीजर इस्टेब्लिश. सो वी कैनॉट से दैट इट इज द एसेंस. फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस, बिकॉज हम एक्चुअल में ये देख रहे हैं कि क्या लॉ फेयर है और उसको फेयरली अप्लाई करके एग्जीक्यूटिव अपने एक्शंस परफॉर्म भी कर रही है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ पार्ट ऑफ फेयर एप्लीकेशन. देन क्वेश्चन 6 प्रिजन्स की बात करते हैं. यहाँ पे आपका प्रिजन एक्ट भी पूछा गया है. अब क्योंकि हमारा यहाँ पर जो प्रेजेंट ईयर है, कंसिडरिंग दिस इनटू बीइंग पास्ट फ्यू ईयर्स से यूएपीए एंड ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सारे लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं. प्रिजन्स क्योंकि कोर्ट में काफ़ी ऐसी हियरिंग्स चल रही थी रिगार्डिंग द फैक्ट कि प्रिजन में क्या कंडीशन है, कस्टोडियल वायलेंस हम देख चुके हैं, केसेस मूवीज आ चुकी हैं. सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन इन द न्यूज एंड विच इज़ वाई मे बी प्रिजन रिलेटेड क्वेश्चन हैज़ बीन आस्ड हियर. नाउ वी नो दैट प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट. हियर इट सेज इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट within their own rules and regulation for day-to-day administration. This is correct because it is a state subject. अगर हम schedule 7 में जो तीन list देखते हैं उसमें ये list number 2 that is state list में fall होता है. Then in India, prisons are governed by Prison Act 1984, which is also correct, which expressly kept the subject of prison in control of provincial government. Provincial government हमारा हुआ state government. तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी यहाँ पर करेक्ट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दैट बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 हियर. बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो क्योंकि स्टेट के रिस्पेक्ट में रखा गया है, विच इज वाई द स्टेट गवर्नमेंट मैनेजेस दीज प्रिजंस. सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. देन क्वेश्चन 7 देखते हैं. Which one of the following statement best reflects the chief purpose of Constitution of India? Ab Constitution we know background kya tha ki hum Britishers were ruling us and then we wanted our own separate Constitution taki hum decide kar sake ki hume kis tarah se govern kiya jayega. To agar hum yahan par dekhen, it determines the object for making of necessary laws. Theek hai, objects hamare jaise fundamental rights hai. तो फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए लॉज सेपरेटली बनाए जाएंगे. तो वो किस ऑब्जेक्ट से बनाए जाएंगे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि फंडामेंटल राइट में ऐसा सब बोला गया है तो इसी टाइप से हमारे लॉज बनेंगे. इट इनेबल्स क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट. डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है वो कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन करता है.
Yes, that is also correct. But can we say that this is the chief purpose? आगे देखते हैं, it defines the limit, it defines and limits the powers of the government. तो अगर हम executive की बात कर रहे हैं यहाँ पे, government में हमारा ये जो executive wing है, इसकी powers क्या है, किस extent तक हमें ये rules regulation apply होंगे, कहाँ पर हम अपनी authority लगा सकते हैं, कहाँ पे हम अपनी autonomy exercise कर सकते हैं, to what extent it is possible. अगर आप याद करोगे, fundamental rights जो है, क्लियरली बोला गया है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे वो एब्सोल्यूट नहीं है, दे कैन बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड. प्लस कंसिडरिंग द फैक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन जब आ रहा था, उसका पर्पस यही था कि वी विल डिसाइड हाउ विल वी बी गवर्न्ड. हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, हम उस गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे, बट उस गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होंगे, क्या रोल्स होंगे, कितनी अथॉरिटी होगी हमारे ऊपर, ये सब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्लियर करेंगे. तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. ये सिक्योरिंग सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, ऑल दीज थिंग्स, येस, दिस कम्स इन द फॉर्म ऑफ DPSP and fundamental rights, but then that's not the chief. Only fundamental rights जो हैं वो chief purpose constitution establish करने का नहीं है. Then moving forward to the next question, in India, which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted ताकि judiciary interpretations जो हैं of fundamental rights उसको ओवरकम किया जा सके. अब सबसे पहले अगर आप इस चीज को देखोगे, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ हो रहा था, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यहाँ आप देखोगे टर्म, तो जुडिशियल रिव्यू टर्म आपको क्लिक करना चाहिए कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कहाँ से आता है, इन द फॉर्म ऑफ रिव्यू, कि गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं या गवर्नमेंट जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहा है. Now that thing is being overseen by the Supreme Court, judicial review court की तरफ से है. Article 13 ये power grant करता है कि जो court है वो ये देखेगा कि अगर fundamental right से inconsistent कोई law आ रहा है तो हम उसको void declare कर देंगे. ये हमारा Article 13 बोलता है. अब ये जो interpretation है, इसको किस तरह से overcome किया गया, वी रिमेंबर ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, वी नो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया था जहाँ पर ये बोला गया कि अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट. तो ये बात, ये क्लॉज इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 13 में, और ये सब आया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, विच इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए गए थे ताकि गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ाया जा सके और जुडिशरी का कंट्रोल कम किया जा सके. फर्स्ट अमेंडमेंट, यू नो, इम्यूनिटी लॉज के बारे में यहाँ पर बात करी गई थी. 44th अमेंडमेंट ने ये जो यहाँ पर चीज़ें करी गई थी उनको चेंज करके ठीक करा था. यहाँ पर कोर्ट्स का वापस से जो फंक्शन है उसको इस्टेब्लिश किया गया, ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए गए. देन 86th अमेंडमेंट इज स्पेसिफिक टू द इशू ऑफ एजुकेशन. सो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ डिसाइड होती हैं, कहाँ इनको ओवरकम करने की कोशिश करी गई, 42nd अमेंडमेंट में. देन नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज इन इंडिया, और इसमें से हमें बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कितनी है. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यस, 2018 में एक्ट आया था जहां पर ये बॉडी सेटअप हुई थी. पहले क्या था, SC ST की नेशनल कमीशन थी, फिर इसको बाद में बाइफोकेट भी किया गया था. इसको बाइफोकेट करने के बाद बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी अलग से नेशनल कमीशन अडॉप्ट करी गई थी. तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती क्या है, इट बेसिकली मीन्स द बॉडीज दैट हैव बीन established through the Constitution of India, यानी Constitution of India में specifically उस body के लिए provide किया गया है. तो ये 102nd amendment के through ये body आई थी. अब अगर NHRC की बात करें, ये हमारी separately law के अंदर आई है, it is a statutory body. तो जो bodies किसी और law के अंडर establish करी जाती हैं, even this National Commission for Consumer Dispute Redressal Commission, NCDRC, ये हमारा Consumer Protection Act में establish करी गई है. तो ये सब स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं. नेशनल लॉ कमीशन गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू आती है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये तीनों ही जो है स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सिर्फ एक है, दैट इज नंबर वन. सो हियर द आंसर विल बी ओनली वन. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ बैकवर्ड क्लासेस भी क्वेश्चन
इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस हैज़ बीन इन द न्यूज़, बैकवर्ड क्लासेस को लेके, रिजर्वेशंस को लेके. रिजर्वेशन हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट इशू सिंस द पास्ट फ्यू ईयर्स एंड इट इज स्टिल प्रेवलेंट. सो हियर दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड. देन फॉलोइंग, इफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो क्या उसके एक्ट जो हैं वो भी इनवैलिड हो जाएंगे? नो. कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज कि जो एक्ट्स वो परफॉर्म करता है ड्यूरिंग हिज टेन्योर दे विल स्टे टू बी वैलिड. देन इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो गई है, कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्शन अभी होने हैं. व्हाट विल हैपन इन दिस केस, उन लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट्स जो हैं वो हटा दिए जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज में से एंड बाकी की असेंबली जो है वो वोट करेंगी, इसलिए दिस ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट. देन व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है टाइम जिसमें उसको एसेंट देना है. ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो हमारे पास सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो जो पावर्स हैं वो नहीं प्रिवेल करती. सो हियर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एज सच टाइम लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब है कि इतने टाइम में प्रेसिडेंट को बिल रिटर्न करना है. एंड ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब प्रिस्क्राइब नहीं है, ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं, जो रूल्स हैं पार्लियामेंट के उसमें ये पावर्स दी हुई होती हैं. सो आउट ऑफ the above, what statements are correct? None of the statements are correct, so option D here will be the correct answer. Then finance bill और money bill के बारे में कुछ statements हैं पूछा गया है. Money bill जो है वो हमारा article 110 में defined है and we can say कि जो finance bill होता है वो money bill होता है, but सारे money bills जो हैं वो finance bill नहीं होते हैं. Money bill specifically जो आर्टिकल 110 में वो प्रिस्क्राइब किया गया है. नाउ व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स द फाइनेंस बिल टू राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल. यस दिस इज करेक्ट, राज्यसभा के पास जब फाइनेंस बिल आएगा तो वो उसको अमेंड कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है. जब लोकसभा ट्रांसमिट करती है मनी बिल टू राज्यसभा इट कैनॉट अमेंड और रिजेक्ट, क्योंकि मनी बिल के रिस्पेक्ट में लोकसभा की ही पावर चलती है. यहाँ पर राज्यसभा सिर्फ अपना रिकमेंडेशन दे सकती है, जो गवर्नमेंट जो लोकसभा एक्सेप्ट करे या ना करे वो उनके ऊपर है. देन इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, कोई अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो मनी बिल के केस में इसमें बोला है कि कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है. हाँ, क्योंकि मनी बिल के केस में क्या है, लोकसभा की अथॉरिटी चलेगी, तो वहां पर जॉइंट सिटिंग मनी बिल के केस में एक्सेप्शन है कि जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी अगर कोई डेडलॉक सिचुएशन होगा. बट फाइनेंस बिल के केस में अगर डेडलॉक सिचुएशन है तो यस जॉइंट सिटिंग विल बी कॉल्ड. सो हियर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, दैट ऑल थ्री दिस ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देन With reference to scheduled areas, कौन सी statement इनमें से correct है? अब scheduled areas क्योंकि it was in the news because ये बात हो रही थी कि क्या president के पास power है to declare what are the people who belong to the scheduled castes. तो ये question news में था, which is why scheduled area से यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया. Within a state notification कि शेड्यूल्ड एरिया कोई जगह है या नहीं, इट टेक्स प्लेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट की पावर आ जाती है जहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज की बात होती है. देन लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग शेड्यूल्ड एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट एंड लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक. दिस इज करेक्ट, लार्जेस्ट जो है वो शेड्यूल्ड एरिया है इन अ डिस्ट्रिक्ट एंड लोएस्ट जो है वो विलेज है. देन चीफ मिनिस्टर of the concerned state is required to submit annual report to the Union Home Ministry on administration. अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि president के order के through ये area declare किया जाता है, यहाँ power जो है वो governor की रहती है. governor जो है वो report देता है president को in respect of the scheduled area. So this statement is incorrect, only two statements are correct. Then next, Supreme Court of India has held in some judgments that reservation policies made under Article 6(4) of the Constitution would be limited by 335. 16(4) जो हमारा आर्टिकल है वो बेसिकली हमारी बात कर रहा है रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन इन केसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिफोर द गवर्नमेंट. अब ये भी जैसा मैंने शुरू में बोला था कि रिजर्वेशन हैज़ बीन इन द न्यूज़, लक्ष्मी नारायण का केस आया फाइनली जहाँ पे काफ़ी चीज़ें सेटल करी गई. ये भी बात हुई कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, एज अ मैटर ऑफ राइट आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है वो मिलेगा, जहाँ पे स्टेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है. एंड यस,
इट हैज़ बीन सेट अर्लियर ऑल्सो इन वेरियस जजमेंट्स. इंदिरा सहनी की तो जजमेंट है जो लीडिंग है इन द केसेस ऑफ रिजर्वेशन, जो बोलती है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता. वहाँ पर ये क्राइटेरिया को एक्नॉलेज किया गया था कि आर्टिकल 335 जो है वो मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, कि ये ज़रूरी है कि जब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो हम वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दी एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन. दिस हैज़ बीन स्पोकन अबाउट इन वेरियस जजमेंट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइजो जो है वो एग्जिस्ट करता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ डज दिस article define this term? No, this term has been only mentioned in the form of a proviso. Yani ki is this article is subject to this particular limitation ki aisa aisa reservation diya ja sakta hai provided ki efficiency maintained rahe administration mein. However, the term as such has not been defined, although courts ke interpretation ke through is टर्म को बार बार कंसिडर किया जाता है कि एफिशिएंसी क्या है, बट कॉन्स्टिट्यूशन एज सच एंड स्पेसिफिकली दिस आर्टिकल डज नॉट रियली डिफाइन इट. सो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हुआ, दैट ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज दिस लॉ बेस्ड क्वेश्चन वेयर स्टूडेंट्स वर फेसिंग डाउट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ऑब्वियसली ये एक्ट्स जो हैं वो पढ़े नहीं हैं, मिसलिनियस लॉज हैं. अब यहाँ पर हमें ये बताना था ये जो एक्शंस हैं इनको हमें मैच करना था कि इसमें से कौन से करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं. अगर हम सबसे पहले देखते हैं अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स. अब ये जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में ही गवर्न्ड है. ये प्रिस्क्राइब करता है कि अगर ऐसा किया जाता है तो ये चीज़ जो है ये एक्ट जो है ये पनिशेबल रहेगा. फर्दर इस लॉ में ये भी प्रिस्क्राइब किया गया है कि अगर आप किसी को मिसलीड कर रहे हो या इंटरफेयर कर रहे हो विद अ पुलिस ऑफिसर और अ मिलिट्री ऑफिसर जो अपने ड्यूटीज में इंगेज्ड है और आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, देन दैट इज ऑल्सो पनिशेबल. दिस इज डेल्ट विद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड नॉट इंडियन एविडेंस एक्ट. अगर आप लॉजिक से भी चलोगे, इंडियन एविडेंस एक्ट बेसिकली यही बात करता है कि जो एविडेंस हम कोर्ट में देते हैं किसी भी मैटर में, चाहे सिविल हो क्रिमिनल हो, प्राइमरी एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन किस तरह से एविडेंस में ली जाएगी, ऑल दीज थिंग्स, दीज रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंस दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड और कन्फेशंस हैं, एडमिशंस हैं, ऑल दीज थिंग्स आर डेल्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट. एंड दिस ये जो यहाँ पर बात करी गई है ये एक्चुअल में एक ऑफेंस है. हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये एक प्रोसीजरल लॉ है, ये बेसिकली ज़्यादातर प्रोसीजर की बात करता है कि किस तरह से कोर्ट में एविडेंस को लिया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, वेरासिटी ऑफ एविडेंस गेट्स डिस्कस्ड. सो हियर दिस विल नॉट बी द आंसर. देन सेलिब्रेटरी गन फायर दैट इंडेंजर्स पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, येस इट इज डेल्ट अंडर द आर्म्स एक्ट 2019, विच इज वाई दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. एंड हियर वी सी दैट ओनली वन एंड three are correctly matched and not two. So here the answer will be only two. So इस तरह से हमारा ये जो पूरा discussion है with respect to polity and laws ये ख़त्म होता है. I hope आपके questions जो हैं वो सही हुए होंगे. In case you want to understand anything, you want to question on anything, you can drop down the same in the comment box below and I'll get back to you. And to stay updated with the laws of the nation, keep following the channel जहाँ पे हम ऐसी videos post करते हैं, where we inform you about the latest laws, we speak about different legal subjects, specially constitution. So subscribe to the channel and also follow us on Instagram for more such videos.